डेंगू भी इसमें फैल सकता है। 10 लीटर तेल डाल दिया टंकी के बच्चा लहल तब बीने पास डाल के लाते है ना चटरिए में है अखनी आप बोले कि 2 दिन में आप 10 लीटर तेल डाल चुके हैं। तनका बच्चा हुआ है तो आधा लीटर। अरे चोर है क्या बताएंगे, सफाई के नाम पर बोलता है कि सफाई करना है, क्या कहता है कि जाओ तो सफाई करो, ये सफाई नहीं होगा। कौन बोलता है? मुंशी बोलता है सफाई करो। नगर परिषद के चुनाव को 1 साल हो चुके हैं और इस वक्त पिछले साल के अगर दृश्य को आप याद कीजिएगा तो जगह जगह नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे। दावा किया जा रहा था कि लालगंज को जल निकासी से मुक्त किया जाएगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, लालगंज सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये सोने की चिड़िया का एक लोहार का उदाहरण दिख रहा है आपको। मोटर लगा है पिछले 2 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब लोगों को दिक्कतें हुई है तो जब नगर परिषद में शिकायत गया तो ये मोटर लगा दिया गया है प्रदर्शनी के तौर पर। 2 या 3 दिनों से मोटर लगा हुआ है, 10 मिनट चलता है फिर बंद होता है। इसका किरासिन, इसका मटिया तेल कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जनता सोचे क्योंकि उन्होंने चुना है। ये वार्ड नंबर 4 है। दिग्विजय चौरसिया के जनप्रतिनिधि है जो बबीता कुमारी का वार्ड क्षेत्र है और ये प्रीति कुमारी ना इधर प्रीति कुमारी जिनके जनप्रतिनिधि सुजीत महतो वो हैं और दोनों के वार्ड क्षेत्र के बीच का ये सड़क है, नुनबाबू चौक की तरफ जाता है। आपको पीछे दिख रहा होगा, जरा पीछे आइए, आगे आइएगा। ये मोटर दिखा दिया आपको इसलिए कि इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जल निकालना है और जल निकला क्या है आपको पीछे नजर आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि साल भर हुए हैं, तमाम नेता, सभापति खुद इधर से गुजरते हैं, कंचन शाह यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी गुजरते हैं, खुद ईओ साहब भी गुजरते हैं, कई बार गुजरे होंगे देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। लेकिन जो स्थिति है वो यही है, ये सड़क ऐसा है कि जो भी गुजरेगा उसको नुनूबाऊ चौक आएंगे अगर, तो आपको इधर से गुजरना ही पड़ेगा अगर आप इस सड़क से होकर रेफर या कहीं जाते हैं तो। हॉस्पिटल रोड की तरफ जाते हैं, सही बोल रहे हैं, तो वहां जाने के लिए गुजरना पड़ेगा। स्थिति ये है कि बार बार कहा गया कि नगर के लिए एक DPR बनाने की जरूरत है। DPR मतलब ड्रेनेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहिए या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहिए, वो होता है। उसके लिए बार बार कहा गया, विधायक भी कुछ महीने पहले आए थे, सभापति भी, इस पर राजनीति खूब हुई है, लोगों ने कहा कि हाँ बन जाएगा। सभापति के पर आरोप है कि वो जब से बने हैं तब से गायब है। गायब है मतलब कि वो नगर में कभी कभार आते हैं, नहीं आते हैं, आते भी हैं तो हो हल्ला का भेंट चढ़ जाता है और कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। ये जल निकासी आप देख लीजिए, अभी ना सावन है ना भादो है, कोई महीना नहीं है, छठ आने वाला है, दिवाली है अभी 1 हफ्ते के बाद, और स्थिति ये है कि आप यहाँ खड़े होकर ढंग से सांस नहीं ले सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, आइए। हाँ दुकानदारी पे, ये दुकान है कुछ, ये दुकान है, यहाँ दुकान है, ये सब है, और गंदगी आप देखिए। हम यहाँ खड़े, हमको पता चल रहा है कि क्या स्थिति है। कई लोग इधर गिरते हैं, पड़ते हैं, बच्चे लेके आते हैं, क्योंकि अस्पताल जाने का ये क्षेत्र है तो अस्पताल कोई भी जाएगा तो जाहिर सी बात है इस नरक से होके जाएगा। तो लालगंज नगर परिषद को नरक परिषद बनाने के लिए जो जिम्मेदारी ली गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये अमर अंकल है जो गुस्साए हुए हैं, इधर आइए अंकल जी, आइए आइए, बोलिए क्या कहें हम आपको। तो धमकी मिल जाता है बार बार, धमकी तो ऐसा मिलता है कि यहाँ नगर पालिका में लोग बैठा हुआ है, क्या कर रहा है देखिए। अभी नगर पालिका शब्द रखने से क्या फायदा है, जब नरक में ही इंसान घूमेगा तो अनुमंडल बलमंडल बनाने से यह काम फायदा है। जब तक पानी का यहाँ निकास नहीं होगा तो विकास का कल्पना आप कीजिएगा, सौंदर्यीकरण का कल्पना कीजिएगा। 2 फीट है तक लोग तक कह रहा था कि लालगंज को ऐसा चमका देंगे कि बाप रे दम लंदन आए, चमक रहा है ऐसा कि मुंह में कीड़ा जाने वाला है, चमकाए का मुंह का कीड़ा ही जाएगा, इंफेक्शन जिसको कहते हैं। हाँ, चलिए ना हम चलते हैं, दुकानदारी कैसे होगा बताइए ना। हाँ, दुकानदारी पर तू बताओ कैसे, आपका भी दुकान है? अरे हमारा तो मोनास्ता मंदिर कीचड़ में कमल खिलाए हुए हैं, यहाँ भी कमल खिला दीजिए फिर, अगर जो लोग बर्दाश्त कर जाएगा तो खिल जाएगा कमल, लेकिन नगर पालिका शब्द हटा दीजिए, कमल खिलेगा चारों तरफ। चुना था नया नगर परिषद को, नगर पालिका शब्द हटा दीजिए, कीचड़ में कमल सब जगह खिल जाएगा। नरक पालिका लोग कहवे करता है, हम खिला देंगे, नरक पालिका तो लोग कहवे करता है, नरक पालिका हो गया, क्या फायदा है ये सब बात। नगर पालिका में लोग चुटकी लेता है, उनके पानी बंद करता है तो इधर बहाता है, इधर के पानी बहन करता है तो उधर बहाता है, कभी वो टोला को डिस्टर्ब किया जाता है तो कभी वो टोला को डिस्टर्ब किया जाता है, ये कौन तरीका है? बोनी नहीं हो रहा है, दो दिन से बोनी नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? आइए, पानी लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, बोनी नहीं हो रहा है 2 दिन से, समझे?
मेरा 2000 का मछली सड़ गया। 2000 का मछली सड़ गया आपका? कै दिन से पानी लगा हुआ है? उपसभापति महोदय हमारे साथ गाड़ी पे बोर्ड लगा के घूम रहे हैं आप, उपसभापति महोदय जनता का हाल देखिए। पानी तो कई दिन से लगा हुआ है, इस संदर्भ में हम लोग कई बार कार्यालय को सूचना भी दिए लेकिन कार्यालय के लोग सुनते नहीं है। 15-3 के बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूरे शहर का DPR बनाना है, पूरे शहर का। उसका अनुमोदन 19-8-23 के बोर्ड के बैठक में हो चुका था। 19-3 को कब लिखे थे जी? 15-3 के बोर्ड के बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूरे शहर का DPR बनाया जाएगा। 15-3 मानी 15 मार्च को। उसके बाद 19-8-23 के बोर्ड के बैठक में उसका अनुमोदन हो गया। अब 19 अगस्त को अनुमोदन हो गया। अनुमोदन हो गया मतलब क्या होता है? अनुमोदन का मतलब हुआ कंफर्मेशन कि कंफर्म हो गया कि DPR बनाया जाए। 9-9 को हम कार्यपालक को लिखे कि DPR का जो आदेश हुआ था, वन वे सिस्टम करने का आदेश हुआ था, अतिक्रमण मुक्ति का आदेश हुआ था, उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, नहीं तो बेकार है। हम लोग बोर्ड के बैठक में अनुमोदन करा लेते हैं, बोर्ड के बैठक में योजना पास करा लेते हैं, लेकिन काम कार्यालय स्तर से नहीं होता, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो उस समय तत्काल में बताए थे कि कनीय अभियंता ध्रुव कुमार महतो दोषी है। ध्रुव महतो या पटेल जो कहिए। तो हमने खुद 19-8 को शोकज किया था ध्रुव महतो पर, जो कन्हैया अभियंता है नगर परिषद में। बाद में प्रधान सहायक पर खुद ईओ साहब ने शोकज किया था, इसी सब कारण से। यानी कि ईओ साहब जो है सोनू जी, वो नए वाले ईओ साहब है सो। यानी कि कार्यालय कर्मी जो लोग जवाबदेही है, जिस काम को करने के लिए वो काम करते नहीं है। आपके लिखने का असर क्या नहीं हो रहा है? यही असर नहीं हो रहा है कि राजनीति वहाँ पर हो रहा है। हंगामा हुआ तो बाहर कर दिया गया था जी, पिछले साल हंगामा हुआ पिछली बैठक में, तो पार्षद को बाहर कर दिया गया, यही सही बोलने के कारण। अगली बैठक का तारीख कब तय किया गया था? कोई अगली बैठक जब 19 को हुआ था, उस समय खुला मंच से वीडियोग्राफी भी है, उस समय तय किया गया था कि दशहरा को देखते हुए हम लोग 19 सितम्बर को अगले महीना में बैठक करेंगे, लेकिन 19 सितम्बर को भी कोई बैठक नहीं किया गया। पूरे शहर में दशहरा में जितना दूरदिन था, तो कार्यपालक को बैठ कर मौखिक हम लोग कहें, बताएं कि शहर का साफ सफाई कीजिए, दो बार जहां पूजा पंडाल है उसका कचरा उठाओ कीजिए, तो उनके द्वारा करवाया गया। अगर हम लोग नहीं कहते उस पर भी कार्यपालक को आप इसके बारे में बताएं हैं मौखिक तौर पे? जी बिल्कुल बताएं हैं कार्यपालक पदाधिकारी को। सुने वो बोले हैं कि हम दिखवा देते हैं। बताएं एक महीना हो गया, बोले कि एक सप्ताह में हम सब काम करा देते हैं, रुक जाइए। कल भी फिर फोन किए हैं तो तबीयत खराब है। एक महीना पहले बोले दुर्गा पूजा बीत गया, यहाँ एक आप एक तरफ कर रहे हैं कार्यपालक महोदय सुने दुर्गा पूजा में व्यवस्था कराए, फिर वही तो समस्या देख लीजिए ना कि अब कौन दोषी है। कार्यपालक पदाधिकारी दोषी है, वो कह के झूठ बोल जाते हैं कि कार्यालय कर्मी झूठ बोल जाता है कि कहाँ से हो रहा है। आखिर हम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसका अनुपालन हो क्यों नहीं रहा? नगर परिषद की तरफ से जब भी कार्यवाही की बात की जाती है, आया नाला उखाड़ के चला गया, कार्रवाई नंबर एक। दूसरा नंबर एक कि जब नाला उखाड़ के चला गया, आगे जाम था, पानी ओवरफ्लो हुआ, ये चचा है इनके घर में लेटरिंग जैसा पानी घुसा है। हाँ चचा, गलत कि सही? पूरे दरवाजा गंदा हो गया, पूरा बुझा रहा था कि महिला हट गया, तो हम अपने बाल्टी से पानी से धोवाए उसको। पानी को अपने बाल्टी से हटाए हैं? अपने से धो के हटाए झाड़ू से। अच्छा, वो दुकान है आपका ना? वही दुकान है। पूरा कबाड़ दिया था, सिला पुला फटा हुआ? हाँ पूरा कबाड़े हुआ। कौन आया था कबरवाने? नगर पालिका के लोग थे, और कौन थे? मतलब क्या कह के बोला होगा ना कि हाँ बनिया हो जाएगा? कहा कि 2 दिन में हम न बनाने दे रहे थे, तो कहा कि 2 दिन में आपको कंप्लीट करवा देंगे। बोलू 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे? महीनों दिन हो गया, ये देखिए कंप्लीट हो गया है 2 दिन में। मोटर रखा हुआ है, चलता नहीं है। इसी में हेल के जाएगा ना, अभी हिंदुओं का हम लोग का पर्व आ रहा है, छठ पर्व, महापर्व छठ है, और इस छठ पर्व में हम लोग ये सब गंदा पानी हेल के जाएंगे दौरा लेकर? कैसे जाएंगे आएंगे सर बताइए? पर्व में हम लोग दौरा लेकर जाते हैं घाट पर, घाट पर मुर्गिया चौक, कैसे जाएंगे हम इसमें है? और यानी पूरे हम लोग का टोला जो है 6 वार्ड की, और सारी दौरा हम लोग को जाता है मुर्गिया चौक। आपका वार्ड कौन हुआ? 6 वार्ड, 6 नंबर वार्ड पार्षद सुजीत महतो। उनके तरफ से कोई बोला गया है उनको कि नहीं? नहीं, हम लोग तो नहीं बोले उनके तरफ से, यही लोग कुछ कुछ कहते हैं, नहीं बोलते हैं। वार्ड को कौन कौन सूचित किया है? अपने अपने वार्ड को कौन कौन सूचित किए हैं? गए हैं? कहे हैं? नहीं, हमको नहीं कहा है। वार्ड को कोई सूचना नहीं दिए हैं? बीमारी घर है, सब बीमारी घर देखिए, सब पैर में नोचने लगेगा पानी में घुसेगा घुसने के बाद में। आई पर कोई ध्यान सब नहीं है, यहाँ के आदमी के कोई ध्यान नहीं है इस पर ध्यान होना चाहिए इस पर। आए बोलिए,
इस पर कोई ध्यान नहीं है जी। कल जानकारी हुआ है कि यहाँ इंजन चलाने के लिए रख दिया और मात्र एक लीटर, क्या एक लीटर में दिन भर पेट्रोल पर चलेगा इंजन? एक बार याद है आप ही से इंटरव्यू लिए थे जी, कितना का तेल जा रहा था? 68,30,000 का। यही समय चलता है, यही सब है लूट खसोट। अब हम बोलेंगे तो हमको लोग कहेगा पागल है, और सब मिल जाएगा हमको मार। हम थोड़े बोलते हैं, लोगों से नहीं बोलते, नेतवे से हमने बोलता। अच्छा जो भी है तो पब्लिक देखे सुने समझे कि कौन पागल है कौन सही बात उठाने वाला है। अभी आप कह रहे हैं कि एक लीटर पेट्रोल जलता है, कल कल जानकारी हुआ कि एक लीटर पेट्रोल डाला गया है। जब लिखाएगा तो एक लीटर ना लिखाएगा कगजवा में, तो हम लोग को दिखाता नहीं ना है। अभी विषहर मेला लगा बेदौली में खरौना में, उस विषहर मेला पर भी खर्च किया गया प्रश्न, अब कितना खर्च किया गया से जानकारी नहीं है। तीजा में खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया जानकारी नहीं है। लगातार लिखे सभापति महोदय से पूछे, कार्यालय से पूछे, कार्यपालक से पूछे, सब टहलाने लगे। कोई कहा है 10 लाख खर्चा है, कोई कहा 4 लाख खर्चा है। बिल मांगे तो बिल तक नहीं दिया, कहा क्या बिल लेके क्या कीजिएगा। हम कहे दिखाइए, नहीं दिखाया। यही तो स्थिति है नगर पालिका। कार्यपालक मोनोपोली कर रहा है कि उनके पीछे किसी का सह है? कार्यपालक मोनोपोली नहीं कर रहे हैं, कोई का सह है, कोई दूसरा लोग कर रहा है। लेकिन आखिर कार्यपालक पदाधिकारी ओपनली क्यों नहीं दिखाते? हमारा सवाल उनसे यह है कि ओपनली उनको तो सरकारी तंत्र है, उनको तो बताना चाहिए। जब एनजीओ के खिलाफ हम लिखे कि 23 लाख रुपया एनजीओ का लूट हो रहा है उस पर कीजिए, तो सब लोग हम ही पर भिड़ गया। अच्छा 23 लाख रुपए, 26 लाख होगा सुने हैं। अब हो सकता है बढ़ा दिया हो, 10% बढ़ा है, बढ़ा दिया होगा, हो सकता है, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन 23 लाख तक है, सफाई के लिए आता है, आता है, उसमें लूट खसोट है। आधा पैसा में कर्मचारी को मारता है, आधा पैसा में दलाली करता है। कौन मारता है? लोग अपना जो उसमें जुड़ा हुआ है सो लोग अपना बांट लेता है। बांट पैसे को महीना देने का बात सुनने में आया, हो सकता है कि मिल रहा होगा, क्योंकि जब पैसा जब वितरण हो रहा है तो सबको मिल रहा होगा। कहा गया था, सुनने में आया था ऐसा खबर कि वार्ड पार्षदों को महीना पहुंचा देंगे भाई, चुपचाप रहना। अब इसमें कितनी सच्चाई हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने वालों के प्रमाण दीजिए मानहानि फलाना ढमकाना, लेकिन सुनने में आया है। विधायक भी आते, उन्होंने भी कहा था कि 23 लाख रुपया आ रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं। हालांकि सवाल ये भी है कि विधायक ने भी कहा था कि डीपीआर का निर्माण होना चाहिए, जैसा कि उपसभापति बता रहे हैं कि जैसा कि उपसभापति बता रहे हैं अनुमोदन हुआ था अगस्त के महीने में, कहा भी गया था सितंबर में, उन्होंने पूछा भी, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अजय शर्मा है हमारे साथ, आपका विचार आना जाना इसी रोड से है? जी बिल्कुल। खड़ा हुआ जा रहा है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल, बहुत बदबू है। खाली बदबू है, सूंघ के छोड़ जाएगा कि काम होगा, फिर कैसे होगा? देखिए इसके लिए हम कार्यपालक पदाधिकारी को कहे भी हैं, सूचना भी दिए हैं। कब कहे? परसों कहे हैं, उसके बाद हम एक महीना पहले कहे, एक महीना पहले जब समस्या आएगी तभी ना कहेंगे। समस्या हमेशा लगता तो बाढ़ के समय में तो स्वाभाविक है कि लग जाना है। अभी 10 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले से लग रहा है। तो हमने सूचना दिया फोन के माध्यम से कि भाई कम से कम हमको लगा कि थोड़ा मोड़ा पानी ज्यादा, अभी साफ सफाई चल रहा है उसके कारण थोड़ा मोड़ा पानी आ रहा होगा, तो कहेंगे मोटर लगवा के बिछवा दीजिए फिलहाल। उसके बाद मोटर के पास आइए, जरा मोटर लगवाए तो मोटर देखते हैं। यही मोटर लगवाए हैं? जी जी। हम लगवाए नहीं, हम फोन के द्वारा कहे, मेरे मेरे घर में एक पेशेंट के रूप में। आप जब आप क्रेडिट लीजिएगा कि हम मोटर लगवाए, हम लगवाए नहीं, हम फोन किए हैं सर। हमने फोन किया है कि फोन के माध्यम से इधर घूम जाइए, ये एक मोटर लगवाइए तत्काल समस्या के हल हो। तो फिलहाल मोटर लगाया गया लेकिन चालू उलू करता नहीं है कर्मचारी। एक लीटर पेट्रोल आ रहा है, कह रहे हैं कि एक पेट्रोल दिन भर। बिल्कुल सही बात होगा, यहाँ के पब्लिक कह रही है तो बिल्कुल एकदम सही कह रही है। कितना कागज में, कितना ये तो पहले हुआ भी है, ये तो 8 लाख के तेल जलाने का लिखा है ना वहाँ पे? फिर लिखा हुआ था पहले, इसके पहले यही होगा, हो सकता है आगे भी यही हो। लेकिन देखिए जब आपका प्रयास है, नहीं प्रयास नहीं है मेरा, हमने फोनिक कहा था कि भाई लगाइए तत्काल, आप काम करवाइए कि पानी निकल जाए। बाकी समस्या जो रुकिए ना, उसको जरूरी नहीं है अभी, आपको सबूत दिखाई जरूरत नहीं है, उद्दिक गया, काम होना चाहिए, पब्लिक चुन के भेजिए काम करने के लिए। और कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए सरासर दोषी कर्मचारी है। बैठक होना था सर, नहीं हुआ बैठक, उन्हें सितम्बर को होना था सुनने में आया। देखिए इसके पर हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, लिखित नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब जिस दिन पार्षदों को बाहर निकाला गया अभद्रता के चलते, जो भी कहते जो सभापति ने एक्शन लिया, उसका कहा गया था कि अगली बैठक दुर्गा पूजा से पहले 19 सितंबर को किया जाएगा। हुआ कोई बैठक? नहीं अभी तक तो बैठक नहीं हुआ है।
कोई सूचना नहीं? नहीं, लिखित सूचना कुछ नहीं है। डीपीआर का भी कोई चर्चा नहीं? नहीं, बिल्कुल चर्चा। ऐसा होगा, साल भर पहले तो सब पोस्टर लगा रहे थे कि स्वच्छ बना देंगे, उनका को हटाइए, लाइए। ये बात आपका स्वाभाविक जो कहना है सब अभी लगाए होंगे, सब लगाया था कि पुरनका को हटाई नहीं लगाया हमें अपने हाजी कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं लगाया पोस्टर। क्या ये पोस्टर नहीं लगाए थे कि हम बदहमपुर लाइए? हम ऐसा मैंने नहीं लगाया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। क्या चुनावी वादा था आपका? मेरा चुनावी वादा था कि मैं अपने वार्ड में जो समस्या आएगी उस पर बात करेंगे, पूरे नगर की समस्या पूरे नगर पर नहीं, जल निकासी पर बिल्कुल था कि मेरे वार्ड में कहीं भी कोई समस्या नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे वार्ड ना होते हुए भी इधर मेरा लोग आना जाना है इस जगह, तो हम चाहे कि भाई थोड़ा पानी आया तो उसके निकाल दिया जाए, लेकिन पानी अब पूरे नगर का आ रहा है। वहाँ से राहुल प्रियदर्शी के पास एक नाला है, वहाँ से काट दिया गया है जो इधर की ओर जोड़ दिया गया है, तो रोड पर स्वाभाविक है कि पानी आ जा रहा है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को हम कहना चाहेंगे कि भाई नहीं, यहाँ मत कहिए सर, कहिएगा आप जनप्रतिनिधि है, आपके माध्यम से जाना है, आपके माध्यम से अभी फिलहाल कहना चाहेंगे। सुन नहीं रहे हैं ये महीना दिन से अगर सुन नहीं रहे हैं तो आज हम जन आंदोलन पर जाएंगे, इसके लिए पूरे जनता को ले जाकर पूरा नगर पालिका को घेराव करेंगे इसके लिए अगर काम नहीं होगा तो। लेकिन फिलहाल जो पहले समस्या आई है, हम तो यहाँ थे नहीं, पटना थे, 3 दिन से मेरा एक साला का पैर टूट गया, उसी का ऑपरेशन में लगे हुए थे। जब हम कल आए हैं तो देखे कि इस तरह से बड़ी समस्या है, तो हम भी बीतेगा नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं बीतना चाहिए, उसके लिए एक बैठक भी होना चाहिए, बैठक करके पूरी समस्या साफ सफाई पर ध्यान रखें। हम जाके पोस्टर फरवाना शुरू कर देंगे, जहाँ जहाँ छठ घाट पे पोस्टर लगाएंगे सब लोग। बिल्कुल फरवाइए, हम आपके साथ हैं इस अभियान में। कि जो बैनर लगाए थे छठ घाट पे कैसे करवा देंगे, लंबा लंबा जब पोस्टर लगता है खड़ा होकर हाथ जोड़ के, बड़ी बड़ी पोस्टर जी, बिल्कुल सही, पब्लिक देखे फाड़ दे, जिसके कई वार्ड में विकास नहीं हो रहा, पब्लिक देखे फाड़ दे पोस्टर, सीधे बात फाड़ दे, हम भी यही आप काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल काफी सारे लोग हैं, किंग से बात की जाओ, किसी कुछ कहना है भैया? चल के देखिए वहाँ पर कितना दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लड़का बच्चा है घर से गिर जाएंगे लड़ाई में तो क्या हाल होगा, फिर कोई मदद करेंगे हम लोग के नहीं करेंगे? वोट मांगने सब आया होगा? हाँ सब है, वोट के लिए सब पहुँच जाएंगे, एक काम करेंगे वो काम करेंगे, जितने के बाद कुछ काम ही नहीं हो रहा है इधर। किनकी से बात किया जाए, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सभी खड़े हैं, सभी परेशानी से ग्रस्त हैं, सबका एक ही कहना है कि जितवाने का फायदा, मतलब लोगों ने सोचा था पूरा नगर परिषद बदल के रख दिया, सब नए प्रतिनिधि है, सब नए पार्षद वहाँ पे जीत के आए, जो जिन्होंने सभापति तक बदल दिया कि भाई कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, अच्छा क्या होगा, अब लोग अफसोस कर रहे हैं कि कल ऐसे किए थे, पहले लक्के वाला ठीक था। खैर, हमने आपको दिखाया है कि जो स्थिति है उसके बारे में बताया है, मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को, यहाँ के तमाम लोगों की सुविधाएं असुविधाएं उनकी स्थिति को आप देख रहे हैं, नगर परिषद लालगंज के जो बेनकाब हो रहे हैं चेहरे उसको देख रहे हैं। वादे आपको याद होंगे क्योंकि साल भर पहले चुनाव प्रचार चल रहा था, टेम्पो रिक्शा सब पे स्पीकर लगाए घुमा जा रहा था, वो वादे भी आपको याद होंगे, नहीं है तो याद कीजिए और पूछिए अपने उनसे सवाल कि क्या हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। फिलहाल हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, तब तक जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को, धन्यवाद। है कि मोटर जो आप लगाए उसको आप क्या कहा जाता है, उसको तेल डलवा के चलवाना चाहिए ना? किसको फोन किए हैं? विश्वनाथ के, विश्वनाथ हिंगे पट्टी खड़ा हो, तुम कहाँ है विश्वनाथ जी, हो इधर आइए। मोटर में तेल रखने के लिए आप आए हैं अभी? अखनी तेल होगा तो स्टार्ट करेंगे। तेल कैसे होगा, 1 लीटर तेल डलाया? 1 लीटर 5 लीटर जला, चला कितना देर? संजीत जी, कितना देर चला? हम तो आपको कई बार फोन किए, उस दिन भी तो आप नहीं चलवाए, आपको कहे तो आप कहेंगे ठीक है उसको हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको संज्ञान में लेकर आपको काम करवाना चाहिए ना। हेलो, हाँ बोलिए ना, कहिए ना, विश्वनाथ जी को पाँच लीटर डेली मिलता है। पूरा पब्लिक यहाँ पे खड़े हो, अभी सुन रहा हो, ठीक हो, 5 घंटा नहीं चलता है यहाँ पर, 3 घंटा नहीं चलता है, 1 घंटा ना चलता है, 5 घंटे यहाँ भीड़ लगा हुआ है, समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, कम से कम रोड तो खाली रहे अगर मोटर चलते रहेगा तो, बाकी तो है नगर पालिका के करो पता, सुनिए संजीत बाबू, हमारा कहना है सो आप सुनिए, जैसे आप मोटर चलता रहेगा ये आपका समस्या हल निदान आपका निकालना है, कार्यपालक महोदय को निकालना है,
लेकिन आपको जो दायित्व मिला है कि भाई मतलब पूरा हु हल्ला हो जाए, पूरा पब्लिक रोड पर खड़ा हो जाए, फज्जत हो जाए पार्षद के चेयरमैन के, तब आप इसके लिए आप आगे आइएगा। आपको तीन बार फोन करेंगे तो एक बार उठाइएगा, ऐसा लगता है जैसे आपके सामने भी हमको आग्रह करना पड़ता है। दो दिन में 10 एकड़ तेल डाल दिया, दो दिन में 10 लीटर तेल डाल दिया, 10 मिनट में बंद हो गया, दो दिन में 10 लीटर तेल डाल दिया। बच्चा लहल तब बिने पास डाल के स्टार्ट कर देखलो है कीटाणु है, देख लो या कीटाणु है, 5 लीटर का टंकी है, मछली वाला बना दो, हां टंकी का लीटर के है यो 4 लीटर, 5 लीटर तक कैसे डाल देता हूं, डाल ले बेटा। हेलो बोलिए ना, 5 लीटर तक कैसे, 4 लीटर के टंकी में 4 लीटर, 4.5 लीटर का टंकी है, 500 रुपए हम देव, तू भर के दिखाओ 5 लीटर में, रात के नगर पालिका एक काम है कि पब्लिक स्टार्ट कर दे, आओ क्या लीटर का टंकी है, नगर पालिका का आदमी है ना आप, आओ 5 लीटर टंकी है, 4.5 लीटर का टंकी है, नाप के ना रखे हैं आप, आप बोले कि 2 दिन में आप 10 लीटर तेल डाल चुके हैं, तनखा बच्चा हुआ है तो आधा लीटर, अरे चोर है क्या बताएंगे, सारा तेल सफाई के नाम पर बोलते हैं सफाई करना है, क्या कहता है, कौन बोलता है, मुंशी बोलता है सफाई कर, आशुवानी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे, तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, हमारे व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10,01,000 लोगों तक अपनी चैनल को पहुंचाया है, अपने वीडियोज को पहुंचाया है, वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए, त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए, प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी, धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।